नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। अब वे तीनों प्रारूपों में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि कप्तानी छोड़ने के बाद 33 साल के कोहली का करियर कितना लंबा होगा। T20, फिर वनडे और अब टेस्ट। विराट कोहली एक एक कर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से या तो हट गए या फिर हटा दिए गए, वो भी 4 महीने के भीतर। एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। विराट कोहली ने लिखा, टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए 7 साल से हर दिन कड़ी मेहनत की। मैंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। किसी न किसी स्तर पर हर चीज का अंत होता है और मेरे लिए भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में ये अब अंत है। इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन प्रयास या विश्वास में कभी कोई कमी नहीं रही। मैं हमेशा हर चीज में 120% योगदान देना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो ये गलत होगा। मेरे दिल में इस फैसले को लेकर कोई संदेह नहीं है और मैं अपनी टीम के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। उनके इस फैसले पर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली के ट्वीट के बाद अब वनडे और T20 टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक पोस्ट शेयर कर विराट के इस फैसले पर अपनी बात रखी है। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शॉक्ड लेकिन भारतीय कप्तान के रूप में सफल कार्यकाल के लिए बधाई, आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।